अवैध खनन का मामला है कि लगातार कोयला खदानों से कई लोगों की जाने भी जा रही है अवैध खनन में काम करने से, लोगों की महुदा में मृत्यु हो गई थी, और खदान में मृत्यु छिंदरी में हो गई थी। तो लेकिन प्रशासन की मिली भगत से और कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार की भी सहभागिता हो सकती है उसमें। सरकार को सारा कुछ मालूम है, सरकारी तंत्र को आप ही बता रहे हैं कि सरकारी तंत्र को सारी जानकारियां हैं कि हाँ भाई कितने लोग मरे हैं, कितने लोग दबे हैं, कितने जगह पर वो बंद किया गया है और किस किस तरह का खेला हो रहा है। अभी तो मैंने पेपर में पढ़ा था कि जनहित याचिका भी दायर हुई है, उस पर PIL भी किया गया है। लेकिन PIL करने से नहीं होगा, सरकार को अपनी मंशा को चेंज करना पड़ेगा और मंशा को बताना पड़ेगा आज बालू के बारे में, आज खनन के कोयले के बारे में, अवैध खनन के बारे में। चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारी पार्टियों ने इसको उठाया लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रह रही है। ये तो चल ही रहा है और लोग मर ही रहे हैं, लोग परेशान हैं, क्या करें। गरीब थोड़ा सा निकालेगा नहीं कोयला, अवैध खनन नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं अपने रोजी रोटी के लिए, छोटे लोग मारे जा रहे हैं, बड़े लोग थोड़ी मर रहे हैं। वो छोटे लोग दब के मर रहे हैं जो अपने भूख मिटाने के लिए कुछ की 50 रुपये मिल जाए, 100 रुपये मिल जाए, उनकी खबर कौन बनाएगा? कोई नहीं बना पाएगा उनकी खबर।